पहली बार यहाँ पे इनवाइट किया गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैं मिथिला में आ रही हूँ, क्योंकि जैसे अरुण जी ने कहा कि मिथिला का नाम जब आता है तो रामायण की यादें हमारे लिए ताज़ा हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, और ये तो धरती से बहुत ज़्यादा इतने साल तक जुड़ाव रहा है, इतनी सांस्कृतिक धरती है, इतनी धार्मिक ये धरती है। 80 के दशक में टीवी पर शुरू हुई रामायण में राम का किरदार निभा चुके अभिनेता अरुण गोविल और सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग रियल देवी देवताओं की छवि उनमें देखकर पूजा तक करने लगे थे। जिस वक्त टीवी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, उस समय से अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया के लाखों फैन रहे, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिला तक उनके फैन रहे। वर्षों बाद भी भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जब दरभंगा के घनश्यामपुर पहुंचे तो उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के लगमा गांव में भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सीएस सुरेश पुत्र उपनयन संस्कार में रामायण में राम का किरदार निभा चुके अभिनेता अरुण गोविल और सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया उपनयन संस्कार कार्यक्रम में भाग लेने पहली बार बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने मरवा पर जाकर बरुआ सर्वज्ञ को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया लगमा गांव स्थित खेल मैदान आयोजित अभिनंदन समारोह स्थल पहुंचे, जहां उनका आरती के साथ भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उनके फैंस मौजूद थे। वही कार्यक्रम के बाद दीपिका चिखलिया ने कहा कि मुझे जब पहले यहाँ आने का निमंत्रण मिला तो मैं काफ़ी खुश हो गई, मैं मिथिला में आ रही हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि मिथिला का नाम जब भी आता है तो रामायण की यादें ताज़ा हो जाती है, मिथिला की हर बेटी सीता का स्वरूप होती है। मिथिला में अभी भी लड़कियों को वैसे ही विवाह होता है जैसे राम और सीता जी के विवाह में हुआ था, ये रीति रिवाज आज भी यहाँ चल रही है। जब मुझे पहली बार यहाँ पे इनवाइट किया गया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैं मिथिला में आ रही हूँ, क्योंकि जैसे अरुण जी ने कहा कि मिथिला का नाम जब आता है तो रामायण की यादें हमारे लिए ताज़ा हो जाती हैं, और रामायण तो आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत दिल के करीब है, और खुशी होती है जब मिथिला में इतना प्यार मिलता है। सब लोग कहते हैं भाई हर एक बेटी के अंदर एक सीता बसी है, और मिथिला में अभी भी उसी प्रकार से विवाह होता है जिस तरीके से राम सीता जी का हुआ करता था। आप सबने वो अभी भी ट्रेडिशन जारी रखा है, तो खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार मैम अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, तो क्या चाहेंगे कि सीतामढ़ी में भी जो मंदिर का जो कल्पना किया गया है वो साकार हो? जी बिल्कुल, मैंने आज सुबह ही कहा कि सीतामढ़ी में भी ऐसा होना चाहिए, और मुझे लगता है अवश्य होगा, ज़रूर होगा। जैसे ही राम का मंदिर अयोध्या में हो जाएगा, मुझे लगता है सीतामढ़ी में सीता जी का भी मंदिर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, और ये तो धरती से बहुत ज़्यादा इतने साल तक जुड़ाव रहा है, इतनी सांस्कृतिक धरती है, इतनी धार्मिक ये धरती है, तो यहाँ आकर तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से रामायण की यादें जो है वो मन में आने लगती हैं। तो इस धरती ने जो जो दिया है सीता माँ सीता को दिया है, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, वो अपने आप में अभूतपूर्व बात है, बहुत अनूठी देन है। धरती धरती बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे हैं, सीधे साधे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लग रहा है। सर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो इन दिनों कुछ हुई ही नहीं है। इतने सालों से जिस बात का इंतज़ार था वो पूरा होने जा रहा है, वो पूरी अगले साल शुरुआत में हमें हम राम मंदिर में जाएंगे, सभी लोग दर्शन कर पाएंगे रामलला के। मंडन में जाके कभी कभी कुछ जो काम करता हूँ तो उसमें नया कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो एक उसमें से बोल गए क्या कि ये इस बार भगवान का दर्शन कराएंगे, तो मैं बोला कि ये तो बड़ा अजीब बोले, मेरे मुंह से निकला कि हाँ ठीक है चलो भगवान का ही दर्शन इस बार हो जाएगा। बाद में एक आदमी मुझे पूछ बैठे कि कैसे कराओगे तुम भगवान का दर्शन, तो संजोग से उनके सामने एक राम सीता और लक्ष्मण का फोटो लगा हुआ था, तो मैं बोला इनका दर्शन करा दूंगा आप लोगों को। उसमें अरुण गोविंद जी है राम और दीपिका जी है सीता। उसके बाद हम प्रयास किए, प्रयास करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये संभव है,
तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया, अरुण जी से रिक्वेस्ट किया, दीपिका जी से रिक्वेस्ट किया, तो ये लोग मिथिला की धरती पर आने के लिए तैयार हो गए। एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए भगवान के ही रूप में है, यहाँ के लोग इनमें ही राम और लक्ष्मण को राम और सीता को देखें।